अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सीपैक। नाज़रीन, बर्फबारी और सिंध में पहली बार सुनने में शायद आप यकीन ना करें, मगर पाकिस्तान के सुबह सिंध के जिला दादू में एक इलाका ऐसा भी है जहां सर्दियों के मौसम में वाकई बर्फ पड़ती है। अगर आप महमजोई और नई जगह तलाश करने के शौकीन हैं तो आपके लिए गोरख हिल से बेहतर कोई जगह ही नहीं। तो फिर देर किस बात की, अगर हमारी तरह आपको भी अभी तक इस खूबसूरत सियाहती मकाम जाने का मौका नहीं मिला तो परेशान मत हो, हम आपको इस वीडियो के जरिए इस सारे इलाके की सैर करवाएंगे। अगर इस इलाके की तरफ सफर की बात करें तो कराची हैदराबाद मोटरवे और फिर इंडस हाईवे पर सफर करते हुए तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय करके आप गोरख हिल पहुंच सकते हैं। इसीलिए कराची से सफर सुबह सवेरे शुरू करना ही बेहतर है। कराची हैदराबाद मोटरवे पे सड़क के दोनों इतराफ देव व्हीकल, ट्रक, टैंकर और ट्रॉलर माल लादे अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए किसी देव मालाई मखलूक की माने नजर आते हैं। सफर के बाद सामने देखें तो तलू होता सूरज एक नए दिन की आगाज की नवीज सुनाता है। आजमूदा नुस्खा है कि सड़क के किनारे जिस होटल पे सबसे ज्यादा ट्रक नजर आए आँख बंद करके वहीं रुक जाए, क्योंकि ड्राइवर हजरात अच्छे खाने के मामले में जरा भी समझौता नहीं करते। सफर के दौरान बेहतर खाना ट्रक ड्राइवर्स के होटल पर ही मिलता है। सफर के बाद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए बराह रास्ता जामशोरो और सहवन वाही पांधी जाने का इरादा बेहतर है। वाही पांधी गोरखहल जाने के लिए एक तरह का बेस कैंप है जहाँ से जीप के जरिए गोरख तक पहुँचा जा सकता है। जामशोरो से सहवन के लिए रवाना हो तो देखें दाएं तरफ सिंध और बाएं तरफ बुलंदो बाला पहाड़ एक जादुई मंजर पेश करते हैं। गवादर से गोरख 400 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय होता है। तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला तय करके जिला दादू के छोटे से शहर वाही पांधी पहुँचते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कराची से आने वाली नई नवेली चमकती दमकती गाड़ियों के पर जलने लगते हैं, क्योंकि आगे सारे रास्ता पथरीला है और सड़क की सहूलत नापैक है। इन रास्तों पे सिर्फ सख्त चांद 4x4 जीप ही चल सकती है, और ये भी कोई आम जीप नहीं होती बल्कि ऑल्ट्रेशन करवा के इन्हें सफर के लिए 1000 cc और 16 cc बनाया जाता है। इन गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर हजरात भी कोई मामूली लोग नहीं होते, बल्कि साल हा साल इन पथरीले रास्तों पर गाड़ी चलाने का तजुर्बा रखते हैं। सिर्फ ये सरफिर ड्राइवर ही इन खतरनाक रास्तों पर ड्राइविंग का खतरा मोल ले सकते हैं। वाही पानी से गोरखहल का फासला तो सिर्फ 50 किलोमीटर है, लेकिन इसे तय करते करते 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये तमाम रास्ता संगलाक पहाड़ों से उठा पड़ा है। जुलाई के गर्म मौसम में जब सूरज आग बरसाता है तो इसके तपिश पहाड़ों से टकराकर चेहरे को झुलसा देती है। जूं जूं जी पहाड़ी रास्ते तय करते हुए बुलंदी की जानिब बढ़ती है, दर्जा हरारत में कमी का एहसास होने लगता है। गोरख हिल पहुँचते हैं तो सूरज ग्रूब होता हुआ नजर आता है और ये मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। पहाड़ की बुलंदी से देखा जाए तो सामने एक के बाद एक पहाड़ी पे अंधेरा होता हुआ नजर आता है। ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन मंजर मालूम होता है। इस मकाम से आसमान खुद से इंतहाई करीब मालूम होता है, यहाँ तक कि आप सारी रात तारे गिन गिन के गुजार सकते हैं। गोरखहल में प्राइवेट और हुकूमत के जेरे इंतजाम होटल्स मौजूद हैं जहाँ रात गुजारी जा सकती है। खाने और दीगर लवाजमात के लिए रेस्टोरेंट्स और एक टॉप शॉप भी है, लेकिन हर चीज इतनी महंगी है कीमत सुन के कानों को हाथ लगाया जाता है। यहाँ पे एक स्लीपिंग बैग और टेंट किराए पर ले सकते हैं। सुबह टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग में आँख खोलना भी एक मुनफरद तजुर्बा होता है। गोरखहल में गुरूबे आफ्ताब की तरह तुलुए आफ्ताब का मंजर भी देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ के बेनजीर व्यू पॉइंट बलूचिस्तान के जिला खुजार में केरथर का पहाड़ी सिलसिला नजर आता है। यहाँ आने वालों के लिए हमवार गुजरगाह बनाई गई और हिफाजत के लिए रैकिंग भी मौजूद है। इस जगह से सुबह सिंध और बलूचिस्तान की सरहद का नजारा किया जा सकता है। सामने बलूचिस्तान के जिला खुजार में केरथर के मटियाला चटील पहाड़ नजर आते हैं। गोरखहल स्टेशन सतह समंदर से 5600 फुट की बुलंदी पर वाक़िया है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि मौसम सर्मा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से भी नीचे चला जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि कभी कभी सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी भी होती है। चट्टानों पर स्प्रे पेंट से की गई चौकिंग मजाक करकरा कर देती है। यार दोस्त जब यहाँ आते हैं तो निशानी के तौर पे अपना नाम लिख जाते हैं ताकि रहती दुनिया तक मौजूद रहे।
कुछ आशिक अपनी महबूबाओं के नाम यहाँ छोड़ जाते हैं। दिलफरेब मुनासिर से लुत्फंदोज होने के बाद जब गौरखेल के वाहिद रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं तो मालूम होता है ये पाकिस्तान का महंगा तरीन रेस्टोरेंट है, इसे खाना साथ लेना ही बेहतर है। जब इसकी वजह पूछी गई तो बताया जाता है कि गौरखेल है तो दिलचस्प जगह, लेकिन यहाँ आने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है। खास तौर पर वाही पांडी से गौरख का रास्ता जीप ट्रैक खवातीन और बच्चों के लिए मौजू नहीं। मकामी लोग इस बात पर इत्तफाक करते हैं, इनके मुताबिक यही वजह है कि ज्यादातर लोग गौरख हिल स्टेशन का इरादा नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत वाही पांडी से गौरख हिल तक 50 किलोमीटर रोड बना दे तो न सिर्फ यहाँ सयाहों की तादाद में इजाफा हो बल्कि जिस सफर से इस वक्त 2.5 घंटे लगते हैं वो 30 मिनट से भी कम वक्त में तय हो जाए। हालिया बरसों में अंदरूनी मुल्क सियाहत के इजाफे के बाद अब कई निजी कंपनियां सियाहों खास तौर पर नौजवानों के ग्रुप्स को हफ्तावार तायलात पर गौरख हिल स्टेशन लेकर आती हैं। अगर हम बात करें इसके नाम के बारे में तो मकामी रिहायशियों से गौरख के नाम के बारे में पूछा गया तो कई कहानियां सुनने को मिली। कुछ ने कहा ये बलोची जुबान लफ्ज कुर्क के बिगड़ी हुई शक्ल है जिसके मायने लगड़ भगा बताते हैं, जबकि बाज़ अफराद के मुताबिक इसका मतलब है भेड़िया। मकामी अफराद के मुताबिक यहाँ किसी जमाने में भेड़िया हुआ करते थे जो मवेशी खा जाया करते थे जिसकी वजह से इसका ये नाम पड़ा। संस्कृत की एक रवायत बताती है कि गौरख के मायने मवेशियों को चराना है, जबकि सिंधी जुबान में लफ्ज गौरख के मायने मुश्किल और दुश्वार गुजार के हैं। नाम का मतलब कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि गौरख हिल का कुदरती हुस्न यहाँ आने वालों की सांसें रोक देने के लिए काफी है। चारों जानिब धुंध में लिपटी पहाड़ियों और खतरनाक खाइयों का नजारा इंसान पर सहरदारी कर देता है। अगर आप भी कराची की सारा साल चलने वाली चिलचिलाती गर्मी से जान छुड़वा कर किसी ठंडे सियाहती मकाम की सैर करना चाहते हैं तो गौरख हिल स्टेशन से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ आने के लिए मौसम सरमा में जून और जुलाई जबकि सर्दियों में दिसंबर और जनवरी बेहतरीन वक्त है। अगर किस्मत साथ दे तो क्या पता आप बर्फबारी भी गिरती हुई देख लें, फिर वापस जाके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता सके कि हाँ वाकई सिंध में भी बर्फबारी होती है और आप एक नई दुनिया में मौजूद हैं। नाज़रीन आप सिंध के इस खूबसूरत तरीन मकाम गौरख हिल जो बलोचिस्तान का भी नज़ारा करवाता है इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।